शहीद स्मारक पर हाथरस कमेंट के विरोधी में शहीद स्मारक पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह संपन्न होने के बाद मुख्य सचेतक डॉक्टर जोशी ने उत्तर प्रदेश योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तानाशाह किम जोंग उनकी शैली पर सरकार चला रहे हैं। यूपी सीएम योगी, हालात ऐसे हैं कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम मांग भी किससे करें, ऐसे में ईश्वर से हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की प्रार्थना करते हैं और ये भी प्रार्थना है कि ईश्वर ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। कांग्रेस हर अन्याय, हर जुल्म, हर पीड़ित दलित शोषित के साथ खड़ी नजर आएगी। अन्याय और अत्याचार करने वाली तानाशाही सरकार के खिलाफ जनता भी कांग्रेस का साथ देगी। भाजपा ने इसके उलट राज्य सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत ही हैं, उनके नैतिक जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, जिसमें वह पूरी तरह से असफल साबित हो रही हैं। ऐसे में उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। करके महिला अत्याचारों को लेकर के मार्च निकाल रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राज में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उस बच्चे जो जिसके साथ बलात्कार और उसके साथ उसके पार्थिव शरीर के साथ दूसरी बार बलात्कार रात को 2:30 बजे उसको जलाया, उसके घर वालों को पता नहीं, न कोई संस्कार का ऐसा सिस्टम है, ना संस्कार रात में होता नहीं। वो जिस तरीके से उसका दूसरी बार दाह संस्कार किया उसको भी अगर हम बलात्कार की श्रेणी माने तो अति मैं उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वयं पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उसके अपने चरणों में स्थान दे और साथ ही जो भी प्रार्थना करता हूँ कि उसके जो इस कांड के जो दोषी थे उनको जल्दी से जल्दी वो कानून की गिरफ्त में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर कोई भरोसा नहीं है। योगी जी तो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग की तरह से हत कर रहे हैं, दादागिरी पूर्ण बयान दे रहे हैं, दबंगाई से बयान दे रहे हैं, पीड़ितों के दबाने की बात कर रहे हैं। जो अन्याय पूरे परिवार के साथ हो रहा है उस पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ में, ऐसा देश के खिलाफ कभी नहीं। नैतिक अधिकार भारतीय